ब्लैक हेड एंड वाइट हेड कैसे रिमूव करें, ये क्वेश्चन तो सारे ही मुझे पूछते हैं। तो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दोज पीपल जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसे इन स्टबन वाइट हेड और ब्लैक हेड को निकाले, बिकॉज नो स्ट्रिप जो होती है वो कभी कभार काम आ जाती है, कभी कभार नहीं आती, बट हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आपके लिए हमेशा हेल्पफुल हो। मतलब एक बार पैसे इन्वेस्ट करो और उस चीज़ को यूज़ करते रहो लगातार, जब तक आपका मन करे आप अपने ब्लैक हेड वाइट हेड हटाते रहो उस चीज़ से। तो वही दो तरीके मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को मैं एक नोटिफिकेशन दे दूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना भूलना मत, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है जो कि मैं शेयर करती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना भूलना मत, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी इन्फो रहती है जो कि मेरे ख्याल से मोस्टली लोग अवॉइड कर देते हैं। तो बिंगो। स्टेप वन इज़ टू टेक स्टीम। अगर आप स्टीम नहीं लेंगे तो आपके पोर्स जो है वो खुलेंगे नहीं, और अगर आपके पोर्स नहीं खुलेंगे तो एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिलीव मी, मैंने पहले ट्राई किया है और मेरी स्किन बहुत रेड हो गई थी, बट बहुत ही कम वाइट हेड निकले थे, तो एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। स्टेप टू इज टू टेक अ टूल टू एक्सट्रैक्ट द वाइट हेड एंड ब्लैक हेड आउट ऑफ योर फेस। तो उसके लिए मैं अलग अलग दो टूल्स यूज़ करूँगी। फर्स्ट वाला मुझे एक किट के अंदर मिला था जो कि एक पेडिक्योर एंड मैनिक्योर किट है। उसके अंदर एक अच्छा सा वाइट हेड ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टिंग टूल था, तो इट वॉज़ हेल्पफुल फॉर ज़िंदगी भर के लिए। मैं आराम से इससे अपने ब्लैक हेड और वाइट हेड हटा सकती हूँ नोज के। बट अगर आपको एक मशीन चाहिए तो वो वाला ऑप्शन मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊँगी, बने रहिए इस वीडियो में। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको ये टूल यूज़ करना है ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव करने के लिए। आपको बेसिकली अपने स्किन पे प्रेस करना है और एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है ताकि आपको ट्रैक रहे कि आपने कहाँ कहाँ ये टूल यूज़ कर रखा है। बाकी अगर आपकी स्किन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यूज़ करने में इस टूल को, तो आप उसे स्ट्रेच कर सकते हो और आराम से इस टूल को स्लाइड कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है, वाइट हेड बहुत डीप रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लाइक हल्का सा पिंच पेन होता है, बट उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा टूल है, आप कभी भी इसे यूज़ कर सकते हो। बट ध्यान रखना इसे क्लीन अच्छे से करना, आराम से आप एक डेटॉल का पानी बना सकते हो, उसके अंदर इसे डिप करके रख लेना और फिर सिर्फ शेक करना है। सो लेट्स सी कि कितने सारे वाइट हेड मैंने अभी इस टूल के अंदर निकाले हैं। What came out of my side nose area? I already used the traditional tool on my nose area like this side, which is easy to get. But the front side is really tricky with these kind of tools. So what I'm going to do is, it's time to try out this baby. Dermasuction pore cleanser device comes in a really good packaging, but because I bought it from Amazon, it was like damaged. The package was really damaged, but the product itself came out good. It is in good condition. There are four types of attachment which are used with this device. There is no charging port. You have to use two AA batteries to turn on the device. The button itself is a turn on and turn off button. अब हमने टर्न ऑन कर दिया है डिवाइस को, तो अब इंस्ट्रक्शंस की बारी है। मेक श्योर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इन्फो इन इंस्ट्रक्शन पेज विच यू शुड नो बिफोर यूजिंग दिस डिवाइस। व्हेन इट कम्स टू द फ्रंट साइड ऑफ योर नोज, इट्स रियली ट्रिकी टू गेट द वाइट एंड ब्लैक हेड्स ऑफ योर नोज, विच इज व्हाई आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई दिस वन। आई बॉट इट फ्रॉम Amazon एंड यू कैन फाइंड इट ऑन वेरियस साइट्स, बट फॉर मी इट वॉज लाइक आई फाउंड इट ऑन Amazon, तो मैंने कहा चलो हाथ मार लेते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है। वाला जो नोजल मैंने लगा रखा है दैट इज़ लाइक रियली प्यारा सा छोटा सा एक ओवल शेप है, तो वी गाना स्टार्ट इट आउट एंड जस्ट गोना गो लाइक दिस। लेट अस ट्राई दिस। वाओ, यू कैन सी द इम्प्रेशन, लाइक इट्स रियली सॉफ्ट। बी ऑनेस्ट, द सक्शन इज नॉट दैट हाई, बट लेट अस गेट ऑन दिस रियली। ओ वाओ, इट डज वर्क। Sweating like hell, but oh, shit. Go slow, but not too slow. Go fast, but not too fast. It just have to balance. न
Now it's time to reveal how much gunk we got in this machine. Can't fake the whitehead, so there it is. Yeah, look at that. Look at this. This is the blackhead and these are the whiteheads. I can tell you there are 50 to 60 whiteheads in this nozzle. Wow. Ew. This is a single whitehead. We're done with the first round, which is the sensitive area one. Just move this clockwise and there you go. We put it on the first setting. Let's start. Indeed, it is strong. Oh, it is taking out the oil too. Wow. Okay, this area is hard to get. Okay, 90 degree. This side is the most important one. This side is... Ooh, I get it here. Yeah, we need that. There are a lot of whiteheads in here. I wanted those to come up. Oh, it is getting red. Well, that's okay. I have a really soft hand, so I pretty much know how to handle these kind of devices and not get red. I mean, my skin is really sensitive, so yeah. It's soft. Okay, this is weird, but this side is soft. Like there, I can just feel a smooth baby skin, but to be honest, when I didn't do this stuff, it was like sand. It felt like sand. Oh, wow. What the hell? Can you see the amount of oil that is inside this one? Look at that gunk. Now it's time to remove this one. Remember, clockwise. And we have the strongest one. This is maybe for jawline. Yeah. This is strong. Let's go for the jawline. Freak. It is strong. You can see the red line. Let me do this on this side. Let's see the red line. You have to move your hand really quickly because this makes your skin really red. Look at this. Oh, it will make your skin red. And do not use this in under eye area because this is the strongest one. I'm using the first setting plus the strongest one. So I'm getting that. Oh, check that out. It is getting red. Okay, now the reveal time, which is kind of disappointing because I wanted strongest one to get the most out of it, but I found something different. It was okay-ish attachment for blackhead and whiteheads, but for extracting the excess oil from your skin, it is the best one. Last but not least, scrub wala. Let's see how it scrubs. First, of course, yeah, scrub it away. How does it? Wait, I don't see any scrubbing on my face. Always do this. So like machines like this will slide away, and if you like do this, your skin will be like getting in the way. So clean and smooth. Right now I'm having two pimples because of periods, but that's okay. That's how life is. Pumice stone will just scrub your face. Let's try this on a pimple. Get up! Nah, I don't know, but I found this attachment to be like worthless.
you're worthless. So this is how my skin feels right now. Like, I don't think there are any blackhead and whitehead on my skin. The most amazing part was this one, because I had a lot of whiteheads in here and I can like literally feel like soft, like baby smooth skin. Before it was like रेत समझते हो, रेत भाई सैंड होती है, रेगिस्तान लगता था यहाँ पे, ऐसा लगता था पता नहीं कितने पत्थर जड़ रखे हैं, बट नाउ इट्स स्मूथ लाइक. एंड अदर देन दैट सम पिंपल्स आर गॉन, द वाइट पार्ट ऑफ द पिंपल इट्स सक्ड इट आउट एंड माई स्किन इज वे टू हेल्दियर एंड नाउ आई कैन से दैट इट वर्क्स एंड माई स्किन इज क्लियर एंड क्लीन. Make sure to clean these babies with Dettol water, because we don't want any kind of bacteria in this stuff, which will again go on our skin. So the last but not least, which one was my favorite? This one. Yes, the one with the smallest nozzle. This is the best one and it works on your under eye area. Iski suction power bahut kam hai, so that is why I would love to use it under my eyes, because yahan pe kafi white heads hai mere. And yahan pe to yaar matlab heaven tha, first wipe mein itna sara nikal gaya, I was like really happy. So this one is great for pimple too. Agar aapke paas bahut aa rahe hain aur aap usko nikalna chahte hain, bahut irritation ho rahi hai, to haath se mat nikaliye, isse nikaliye, kyunki jab aap pimple ko aise dabate ho na, to problem ye होती है कि वो लाइक ऊपर तो आ जाता है पस, बट फिर थोड़ा सा पस है ना वापस स्किन में चले जाता है. हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर. तो अगर आप ऐसे करते हो तो फिर वो वापस अंदर अपने स्किन पे चला जाएगा और बैक्टीरिया हो जाएगा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आपकी हालत. इससे अच्छा ऐसे सक्शन वाली चीज़ें क्या होती है, आपकी स्किन पे अगर कोई पिंपल है उसका, यू नो पीला वाला पिंपल है, तो उसके ऊपर आप रखो, वो सक करके पूरा जितना भी उसका बैक्टीरिया है, येलो पार्ट है, यू है पार्ट है, वो निकाल के इसके अंदर डाल देगा और आपकी स्किन पे क्लीन रहेगी. उसके बाद ए एच ए बी एच ए जेल लगाओ और अपनी लाइफ जियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, सो दैट यू वोंट मिस एनी न्यू अपडेट्स ऑफ माई चैनल. उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर आप कोई एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं.